अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप तक मेरी वीडियोस पहुंच सकें। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी। नंबर वन पॉइंट पे हम आते हैं। इसमें एक है सोशियोलॉजी स्टडी सोसाइटी इन अ साइंटिफिक वे। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि सोशियोलॉजी स्टडी करती है सोसाइटी को एक साइंटिफिक तरीके से। जब सोशियोलॉजी नहीं आई थी सोसाइटी में, सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट नहीं आया था, उससे पहले जो इंसानी माशरा है या सोसाइटी है उसको पढ़ने के लिए हमारे पास एक मुंजम या कोई साइंसी कोशिश नहीं थी या कोई साइंसी तरीका नहीं था जिससे हम सोसाइटी की स्टडी कर सकें या उसके ऊपर मुताला कर सकें। तो सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट आने के बाद ही हम लोग जो इंसानी माशरा है उसके बारे में साइंटिफिकली पढ़ सकते हैं। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ आते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि सोशियोलॉजी थ्रोज मोर लाइट्स ऑन द सोशल नेचर ऑफ मैन। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि जो सोशियोलॉजी है वो क्या करती है, इंसान की समाजी फितरत पर मज़ीद रोशनी डालती है। वो कैसे डालती है? जो सोशियोलॉजी है ये सब्जेक्ट ऐसा है कि जो इंसानी फितरत को गहराई के साथ या पढ़ता है, मुताला करता है, ठीक है। ये कहता ये है कि इंसान जो है एक सोशल एनिमल है, वो एक ग्रुप या एक बरादरी या एक सोसाइटी में या एक कम्युनिटी में क्यों रहता है, मतलब उसको इस सब की ज़रूरत है। सोसाइटी के साथ उसका ताल्लुक़ है, उसके ऊपर स्टडी की जाती है, यानी इंसान जो है माशरे में उसके असरात और दीगर मालूमात, इनका ये जायज़ा लिया जाता है। चलिए जी, अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सोशियोलॉजी इंक्रीज़ द पावर ऑफ सोशल एक्शन। सोशियोलॉजी इंक्रीज़ करती है सोशल एक्शन की पावर को। इस पॉइंट का क्या मतलब है कि सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो इंसान को बताता है कि उसके अंदर क्या क्या सलाहियतें हैं, क्या क्या हदूद हैं, और जो माहौल है उसके मुताबिक अपने आप को कैसे ढालना है, अपने उस माहौल के मुताबिक अपने आप को किस तरह काबिल बनाना है। हमारे जो सोशल ग्रुप्स हैं, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इन सब के मुताबिक उसको ढालना, उस काबिल बनाना उस इंसान को, और इन सब का इल्म वगैरह प्रोवाइड करती है। फोर्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पॉइंट में है सोशियोलॉजी स्टडीज़ रोल ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये क्या कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी जो है वो स्टडी करती है किस चीज़ को, रोल ऑफ इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे अब इंस्टीट्यूशंस की बात आई है, तो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं पहले तो हम ये देख लेते हैं। हमारे पास पांच इंस्टीट्यूशंस होते हैं। सबसे पहले है फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट। ये पांच जो हमारे पास हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके ऊपर हमारी सोसाइटी बेस करती है, सोसाइटी चलती है। अगर ये सब मिलकर काम करते हैं, अगर ये सब अपना अपना काम करते हैं तो सोसाइटी स्टेबल रहती है। तो अब यहाँ पे इस पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि सोशियोलॉजी स्टडी करती है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी इन इंस्टीट्यूशंस के रोल को सोशियोलॉजी स्टडी करती है, और डेवलप इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, यानी एक बंदे के बढ़ने का, यानी उसकी कह लें कि उसकी ग्रोथ हो रही है या उसकी सोशलाइजेशन हो रही है, उसके लिए सोशल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जाहिर सी बात है, एक छोटा बच्चा है जब वो पैदा होता है, उसकी पैदाइश के टाइम बिल्कुल वो ब्लैंक होता है, ठीक है। उसको फिर सोसाइटी या इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसको सिखाते हैं, उसकी तरबियत करते हैं ताकि वो आगे बढ़े और अपने आप को सोसाइटी के काबिल बना सके। हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, सोशियोलॉजी इज़ ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टेंस इन द सोल्यूशन ऑफ सोशल प्रॉब्लम। यानी कि जो सोशियोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा इसकी इम्पॉर्टेंस है या बहुत ज़्यादा अहमियत है किस चीज़ में, कि ये सोल्यूशंस जो हैं प्रोवाइड करती है हमारे सोशल प्रॉब्लम्स के लिए। अच्छा, आजकल के जो दौर है हमारा मौजूदा दौर, इसमें बहुत सारे मसाइल से हम लोग दो चार हैं जिनमें माशरे के साइंसी मुताले से हल किया जा सकता है उनको, ठीक है। यानी साइंटिफिक स्टडी जो है उसके ज़रिए हम उनका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। अच्छा, किस तरह हमारी जो समाजी जो हमारे मसाइल हैं उनका साइंटिफिक तहकीक के तरीक़ों के मुताबिक हम लोगों को मुताला करना होता है और उनका हल तलाश करना होता है, यानी जो भी सोल्यूशन है वो हमें साइंटिफिक स्टडी के बाद मिलता है। और ये क्या है, ये सोशियोलॉजी का ही काम है, मतलब सोशियोलॉजी भी यही करती है सब, इंसानी मामलात का साइंटिफिक मुताला, यानी
साइंसी मुताला करके उसके बाद हमें एंड में सॉल्यूशन पेश करती है, ठीक है। यानी हमें अपनी ज़िंदगी को या हमारी समाजी ज़िंदगी के हालात को किस तरह कंट्रोल करना है और किस तरह बेहतरी करके या बेहतरी ला कर काबिल बना सकते हैं उसको। सिक्स पॉइंट हमारे पास है, सोशियोलॉजी हैज़ चेंज आर आउटलुक विद रिगार्ड टू द प्रॉब्लम ऑफ क्राइम। इस पॉइंट में क्या है कि सोशियोलॉजी ने हमारा जो आउटर लुक है वो ही चेंज कर दिया है, किस चीज़ के रिलेटेड, क्राइम के रिलेटेड, कि हम लोग ये जो क्राइम, ये जुर्म के हमारा नज़रिया था वो बिल्कुल बदल के रख दिया है इसने। किस तरह कि समाजियात का जो मुताला या सोशियोलॉजी का जो मुताला है वो मैं बताता है जराइम के मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में, ठीक है। उसने हमारा नुक्ता नज़र बदल करके रख दिया है, किस तरह के जो हम मुजरिम होते हैं या जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके साथ अब ज़हनी ख़राबियाँ उनकी, यानी हम कहते हैं इनको मेंटल डिजीज़ का शिकार हैं ये, इसलिए ऐसा काम करते हैं, तो हमें ये इस तरह बताता। और उसके बाद क्या है कि उन्हें उसी तरह उनको मुनासिब तरीके से ट्रीट करते हैं और उनको दोबारा सोसाइटी के एक मुफीद शख्स के तौर पर या मुफीद अफराद के तौर पर बहाल करने की कोशिश की जाती है। लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, सोशियोलॉजी इज़ यूजफुल एज अ टीचिंग सब्जेक्ट। जो सोशियोलॉजी का प्रोफेशन है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला सब्जेक्ट है या प्रोफेशन है। इसमें क्या होता है, जो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं वो ट्रेन हुए होते हैं थ्रू अ रिसर्च प्रोसेस, और फिर उसके बाद वो बिज़नेस में या गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, सोशल सेक्टर, कम्युनिकेशन या मैनी अदर एरियाज़ आप कह लें ऑफ कम्युनिटी लाइफ अपना कंट्रीब्यूट या कंट्रीब्यूशन दे रहे होते हैं, ठीक है। जो सोशियोलॉजी है वो मोर प्रैक्टिकल हो गई है, ठीक है, और इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है बहुत सारी फील्ड में या इसको कह लें स्टेट्स में, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर।